ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही शिष्टाचारी बनते हैं। प्रश्न, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्य नारायण की अर्थात नरस नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नरस नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुन आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रसम रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अलग और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं ये विकारों में जाने की रसम रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है, इस बिगर दुनिया कैसे चलेंगी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहें। मनुष्य तो लकब अर्थात मर्तबा तो दे न सके, देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। ब्रोवर या भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उनों का राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उनों को 5000 वर्ष हुए, अभी वो नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं। निर्वाण धाम में असुर में हम आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ पाठ बजानी आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई,
फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य भिखारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से भिखारी भोगी बन गए, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भिखारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है, छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों को मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे, द्वापर से लेकर हम गिरे। कलयुग में हम और ही भिखारी बने, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे हनुमान गणेश की, पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में हैं। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं बीज छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो, और फिर राजाई लो। बीज छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु बीज छोड़ते नहीं हैं। बीज के लिए कितना मारते तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे, शतियों में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक शिष्टाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो शिष्टाचारी थे वो अब भ्रष्टाचारी बने हैं, फिर अब अमृत पीकर शिष्टाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, क्या गीता भूल गए हो, गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का, इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी, जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का, तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है, बाबा को कितना समय लगा, आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते, इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ, हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ, कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने कारण हिंदू कह देते हैं, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स बालों को सुना रहे हैं, अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है, दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी है, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वो मुश्किल हिम्मत रखती है, साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सब के आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल एमपी एमएलए आदि बन गए हैं, पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु सीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है, थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पंप, फॉल अब माया रावण राज्य, फिर राज अब राम राज्य, अब राम राज्य स्थापन होता है। परंतु तुम मेहनत तो करो ना, तुम क्या बनेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाए पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी
वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। सौकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कर अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या आखिरन क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है, इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है, यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिलना है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो, कितनी नॉलेज है इन मेडल्स अर्थात बैज में, इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर के जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए, बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है, देवी देवता धर्म ऊंच है, वो भी तो बनेंगे ना, प्रजा तो लाखों बनेंगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे, उनका नाम भी बाला है, कुमारका है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल टॉक नो इविल, फिर भी ऐसे ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस में नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है, सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है उन्हों को छुड़ाना है, कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे से कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, सीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, हद की शाहूकारी का नशा फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट, हियर नो इविल सी नो इविल, कोई व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज प्यारी मीठे बाबा का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लव को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लव को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है, नॉलेज फुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेज फुल अर्थात हर संकल्प हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही समझना चाहिए कि असफलता नहीं परिपक्वता का साधन है। स्लोगन, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।